वंदे मातरम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक और यूजफुल वीडियो लेकर आपके अपने चैनल यात्रा पथ में। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि इन दिनों फिलहाल राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस को समस्या है जन आशीर्वाद रैली के निकलने से, वहीं जन आशीर्वाद रैली में भी चारधाम यात्रा की मांग को लेकर बहुत ही पुरजोर कोशिश की गई है। और सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी, यानी कि हो सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में ही चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, साथ ही साथ एक खबर ये भी मिल रही है कि यदि चारधाम यात्रा स्टार्ट होती है तो वो सिर्फ एक महीने के लिए ही स्टार्ट होगी, यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवम्बर में धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तो एक महीने के लिए यात्रा को शुरू किए जाने पर कार्यवाही की जा रही है कि एक महीने के लिए यात्रा शुरू की जा सकती है सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि सीएम धामी ने क्या कहा है चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर। और हमें बड़ी चिंता है कि चारधाम यात्रा नहीं होने के कारण से हमारा जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, कितनी समस्याएं हो रही है। माननीय न्यायालय में मामला गया हुआ है, हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकले, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन इसी बीच में हमने कहा कि जब ये यात्रा नहीं चल पा रही है, चार धाम यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए और टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े हुए व्यापारियों के सहयोग के लिए उन्होंने सरकार से अपील की है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्ट में पुरजोर कोशिश कर ली है अपनी तरफ से और चारधाम यात्रा को शुरू करने की पैरवी की गई है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों की अर्थव्यवस्था खराब होने से उन्होंने सरकार से सहयोग करने की प्रार्थना की है और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही चारधाम यात्रा को शुरू करवाया जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल में आगे की अपडेट्स के लिए। और ये अपडेट्स आपको कैसा लगे और आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में लिखकर कि ये अपडेट आपको कैसा लगा। उसके साथ ही दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि चैनल पर पहले से हैं तो चैनल को सहयोग प्रदान करें दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए ऐसी ही न्यू अपडेट्स के लिए चैनल पर। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।